तो संडे को हम लोगों ने प्लान किया कि चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी जब से हुई है तब से ना हम लोग मंदिर गए हैं और ना ही इसको मंदिर लेके गए हैं, तो इसका एक नया एक्सपीरियंस था। ये खूब चिल कर रही थी यहाँ पे। हम लोग संडे के दिन इसलिए गए थे क्योंकि बाकी डेज़ यहाँ स्पेशली मंडे ट्यूज़डे को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और इसके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता, ना ही दर्शन हो पाते और ना ही इसको मैनेज कर पाते, ये भी परेशान हो जाती। इसलिए हम लोगों ने संडे का प्लान किया और इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई चीज़ें देखने को इसको मिल रही थी, क्योंकि वैसे मोस्टली घर पर ही रहती है तो क्या ही देखेगी, हम ही तीन चार लोगों को देखा करती है। उसके बाद में हम लोग गए अंदर, काफ़ी धूप थी इसलिए हम लोगों ने इसके सर पे हैंकी लगा दिया था, इरिटेट हो रही थी इससे। देखिए आप लोग, इसने माथा टेका, सारी चीज़ अपने पापा के साथ अच्छे से कर रही थी, दर्शन भी अच्छे से किए, फिर इसने प्रसाद चढ़वाया, भगवान जी को देख रही थी, सारी चीज़ें इसको बहुत नई नई सी लग रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। उसके बाद में इसने पूजा की वहाँ पे, आरती की, ताली बजा रही थी, फिर टीका ईका लगवा के हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह की जो ये नहीं चटाई बिछा के सामान बेचते, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें से सामान कलेक्ट करना। आगे चल ही रहे थे कि हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कछुआ तालाब भी है, जहाँ हम लोग कभी नहीं गए थे, पनकी मंदिर आए हुए थे यहाँ नहीं गए थे, मगर दोपहर का टाइम था, सारे कछुए बहुत आराम कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ ना तो वेस्ट हुआ, हम लोगों को कुछ खास दिखा नहीं, एक दिखा वो भी बस नीचे डूब गया था। तो अब दर्शन करके और थोड़े बहुत कछुए देख के हम लोग चल रहे हैं अपने घर। बाय बाय।